गाइस अगेन जो हमारी वीडियो है वो इंग्लिश ग्रामर पे हम डाल रहे हैं, उसके बाद हिंदी ग्रामर पे आने वाली है और फिर रीजनिंग पे आने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो आज जो वॉइस का चैप्टर है जो आपकी यानी कि 8th क्लास से लेकर 12th यानी कि BA क्लास तक जो भी है वो आपका आज वॉइस क्लास वॉइस यानी कि व्हाट्सएप तक हिंदी में जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक्टिव से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये और सीधी सी मैं बात कहने का तात्पर्य ये है माय डियर कि जब हम कोई भी व्हाट्सएप में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है कि जैसे मैं कोई और क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे राम राइट्स अ लेटर, ये आपको पता होना चाहिए जो सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस में है कौन सा टेंस है आपको पता होना चाहिए। अब ये टेंस आपको सिंपल इंडेफिनेट टेंस है, सिंपल यानी कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट सिंपल यानी कि इंडेफिनेट बोल दो सिंपल बोल दो आपको ये टेंस है। अगर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें परिवर्तन करना होता है माय डियर। जो आपका ऑब्जेक्ट ये आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है और ये आपके पास वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट, इनमें परिवर्तन करना होता है इनमें चेंज करना होता है। आपको ज़्यादातर इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको हाईलाइट करना होता है, ये दिखाना होता है कॉमन यानी कि फोकस यहाँ पे हो जाता है। अभी लेटर लिखा है यानी कि अब तो जो फोकस है वो राम पे है, अगर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बढ़ाओगे तो फोकस आपका लेटर पे रह जाएगा। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ ऑब्जेक्ट होता है उसको आप सब्जेक्ट बना देते हो उसके बाद में एच वी का यूज करते हो अगर कौन से भी टेंस में हो वो एच वी रहेगी आपकी, उसके बाद में एच वी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हो और उसके बाद में आप बाय का यूज करते हो और बाय के बाद आप जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हो। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना भी इस स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंजेस होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आप जो टेंस की वीडियो डाल रखी है पूरी कंप्लीट वीडियो डाल रखी है तो उसके अंदर आपको पता है कि सारा का सारा जो डिटेल है उसके अंदर डाल दिया है भाई कौन सा टेंस आपको कैसे पहचान करनी है और उनकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई एस लगती है तो आपको बता रखा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको चेंज करना है तो आप लेटर लेके आओगे लेटर आपको अब लेटर सिंगल है एक लेटर है तो आपको पता है क्या लगाना है इज रिटन किसके द्वारा लिखा है रिटन बाई राम ऐसे करना है ये ऐसे बनते हैं किसी को। अगर इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूँ भाई नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूँ जैसे राम राम डज नॉट राइट अ लेटर राम डज नॉट राइट अ लेटर इसी को वही फोर्सन रहेगा आप ए लेटर को लेके आओ लेटर लेने के बाद में आपको पता है भाई ऑब्जेक्ट आपका ये जो चेंज है हम डू और डज को डू डज को किस में चेंज कर देते हैं डियर इज एम आर में चेंज करते हैं ये सिंगुलर के साथ यानी कि ये आपका सिंगुलर के साथ रहेगा ये आपका प्लू फॉर्म के साथ रहेगा और ये आपका आई के साथ रहेगा ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। अब सिंगुलर तो यहाँ पे आप इज लगा दो इज नॉट रिटन बाय राम ऐसे अब आपसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। अभी क्या चीज़ हो सकती है जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो वॉइस में आपको वॉइस के बारे में वॉइस में अगर आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है यानी कि सिंपल बोल सकते हो आप इंडेफिनेट बोल सकते हो सिंपल बोल सकते हो तो आप पैसिव वॉइस बनाओगे उसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो वहाँ पे आपको क्या चेंजेस करना है उसमें डियर ये चेंज होगा जो आपका प्रेजेंट है
उसमें एच वी जो आपकी एच वी रहेगी वो आपकी एच एम और आर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस आएगा आपका, अगर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस रहता है तो उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब तो इज रहेगी, उसके साथ में ही एक बीइंग लगा दिया जाता है, बीइंग लगा देती है। एज एम आर सेम का सेम एज वही पोर्शन रहेगा सिंगुलर प्लूरल का, और एक बीइंग लगेगी प्रेजेंट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो वो आपको हैज हैव प्लस में थर्ड फॉर्म तो लगती है, लेकिन जब एक्टिव से पैसिव वॉइस की तरफ जाओगे तो आप हैज हैव प्लस में एक बीन लगेगी देर, बीन लगाने के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगी। और याद ध्यान रहे आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू फ्यूचर कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, ये सेंटेंसेस है इनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। और उसके बाद आप ये ध्यान रखें इनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। और उसके बाद में अगर मैं सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को मैं बनाऊं, इंटरोगेटिव सेंटेंस मैं बनाता हूं तो डस इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाऊं, डस राम राइट अ लेटर, वही है जैसे मैंने ये पोर्शन बता रखा है उसी हिसाब से सेंटेंस करना है आपको। जैसे डू, ये डू है तो इसको आपको पता होना चाहिए इस हिसाब से चेंज करना। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर है तो यहाँ पे आप सिंगुलर डालो, अगर यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आता है तो वो आपको प्लूरल फॉर्म के साथ आर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सिंगुलर है तो मैं कैपिटल आई लिखो, ऐसे इज लिखो, उसके बाद में अ लेटर इज और इज अ लेटर रिटन बाय राम एंड कृष्ण, ये ऐसा रहेगा। इंडेफिनेट टेंस की बात की है मैंने, उसी के हिसाब से अगर मैं सिंपल पास्ट की बात करता हूं, अगर हम पास्ट को लेके चलते हैं, सिंपल पास्ट की बात करें अगर सिंपल पास्ट में लेके आते हैं हम आपको, इसी सेंटेंस का बना देता हूं, राम रोट लेटर। अब सेकंड फॉर्म आपको पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट सिंपल में आती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको रिमेम्बर होना चाहिए पैसिव वॉइस में। अगर सेकंड फॉर्म हो तो वहां पे आपको आप कंटिन्यू सेंटेंस में वाज पास्ट में क्या लगाते हो, वाज या वर्ड लगाते हो, वाज या वर्ड लगाते हो, ये आप सिंगुलर के साथ लगाते हो या प्लूरल फॉर्म के साथ लगाते हो। तो यहाँ पे देखो वही पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ध्यान रखना है आपको, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेके आओगे यानी कि हाईलाइट करोगे इसको, अ लेटर ये भी अभी सिंगल है तो आप वाज लगा दो, अ वाज रिटन बाय राम, ये आपका पास्ट का बन जाता है ऐसे ही। उसके बाद में मैं बात करता हूँ पास्ट का होने के बाद में वही फोर्सल रहेगा डियर, सिंपल की बात कर रहा हूं, वाज वर्ड हो जाता है। उसके बाद में अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊं, राम डिड नॉट राइट अलर्ट, वही पोर्शन है ऑब्जेक्ट को लेके आओ, अलर्ट
उसके बाद में वाज, नोट, रिटन, बाय, ना, ये बन जाएगा। अगर इसको आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में लेके जाओगे तो रीड्स, राम, राइट्स, राइट अ लेटर, क्वेश्चन फॉर्म लिखो यहाँ। उसके बाद में उठाओ अ लेटर इज, ये नहीं सॉरी, वाज रिटन बाय राम, ये क्वेश्चन फॉर्म है। ये आपका पास्ट इंडेफिनेट का हो जाता है। ये प्रेजेंट का लेके चले हम, ये प्रेजेंट के थे सारे के सारे, प्रेजेंट के प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव इंटरोगेटिव सारा बना के दिखाया मैंने, और ये आपका पास्ट का बनाया है। अब फ्यूचर का लेके चलता हूँ मैं। फ्यूचर सिंपल बोल सकते हो, इंडेफिनेट बोल सकते हो। फ्यूचर सिंपल वही इसी सेंटेंस को बना देते हैं, राम विल राइट आर लेटर, ये वाला सेंटेंस वही स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसका ध्यान रखो। ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ, अ लेटर, इसमें एक बी बी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी आपको, अ लेटर विल बी, अ लेटर विल बी, अ लेटर विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, विल बी रिटन बाय राम, ये आपका फ्यूचर में बनता है। इसको नेगेटिव बनाओगे तो वही सेम पोर्शन रहेगा, इंटरोगेटिव बनाएंगे तो भी वही पोर्शन रहेगा। ये आपका सिंपल का कंप्लीट बनाया मैंने, सिंपल सेंटेंस का। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे लेकर चलता हूँ, एक एक सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाएंगे हम, पूरे नहीं बनाएंगे। आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसे ही नेगेटिव बनेंगे, ऐसे ही इंटरोगेटिव बनेंगे। तो प्लीज़ रिमेंबर इट, इन चीज़ों को ध्यान रखें जो हम करवा रहे हैं। एक बार वीडियो को अच्छी तरह से देखें, अपने नोटबुक में राइट करें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सिंपल वे में सिखाने हैं और काम आने वाली चीज़ें हिंदी है। कम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ, आप कहीं पर जाओ, वहाँ पर भी आपको यू पी एस सी वे सी ग्रामर वगैरह का तो करना ही पड़ेगा, उसके हिसाब से आप सीखो। मैंने कंटिन्यू टेंस है, जैसे कि पहले प्रेजेंट का ही बनाता हूँ, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट आपका, वो पहले वाला ही क्वेश्चन बताया था मैंने, ये आपकी वर्ब है, ये आपका एचवी मेन वर्ब बोलते हैं इसको, ये एचवी है और ये आपका सब्जेक्ट है, इसलिए। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आपका, ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, फुटबॉल इज बीइंग, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय राम, ये आपका कंटिन्यू सेंटेंस ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। आपको ध्यान रखना, जहां पे भी आपको पेशी वॉइस के अंदर आई एनजी देखी तो वहां पे बीइंग ऑप्शन में देखो, बीइंग मिलेगा, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। और ये ध्यान रखना है, वे फुटबॉल्स है या फुटबॉल है, यहाँ पे एडमी वर्ब क्या लगा रखी है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद में अगर इसको नेगेटिव बनाओगे तो नॉन वाला हो जाएगा, इंटरनेगेटिव ये इधर भी आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा पास्ट में आ जाओ, राम वाज रीडिंग ठीक है, ये वाला सेंटेंस वही है, ऑब्जेक्ट है आपका, उसको उठा के लेके आओ, अ बुक, अ बुक, बुक वाज, अ बुक वाज बीइंग, अ
was a read by ये आपका पास्ट में हो जाता है, फ्यूचर का बनता नहीं है, ये आपका कंटिन्यू का चला जाएगा। उसके बाद में सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ प्रेजेंट का लेके चलता हूँ, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट लेके चलता हूँ। मोहन हैज प्लेड कबड्डी फुटबॉल, जो भी आपकी मर्जी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वही पोर्शन रहेगा, ध्यान रहना है उसमें आप बीन लगा रहे थे कंटिन्यू में, और यहाँ पे अगर परफेक्ट में आपको बीन लगाना पड़ेगा, बीन फॉर्म है ये भी। फुटबॉल को उठाओ, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय राम, ये सेंटेंस ऐसे बनता है। अगर पास्ट में आप लेके आते हो मोहन हैड रीड अ बुक, वही पोर्शन उठाओ, अ बुक हैड रीड बाय राम, ऐसे पोर्शन से ये एक्टिव एंड पैसिव में चलिए। प्लीज लिसन वीडियो केयरफुली, अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारी अगर वीडियो में आती है तो प्लीज कमेंट द्वारा राइट करें। अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखो, उसी टॉपिक के ऊपर आपकी वीडियो आएगी। पूरा का पूरा जितने भी टेंसेस हैं उन टेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे आप, वो पोर्शन मैंने बताया है। उसके बाद में आपकी जितनी भी वर्ब रहती है, मॉडल वर्ब है, जैसे मॉडल वर्ब में कैसे यूज करें, जैसे कि मैं कोई सेंटेंस एक और लिखता हूं, वी कैन प्ले फुटबॉल, ये मॉडल वर्ब में आता है, मॉडल्स वर्ब में आ गई। अब इनका क्या बनेगा स्ट्रक्चर, जैसे पहले आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में एच वी तो मैन यानी कि मॉडल वर्ब भी रहेगी, उसके बाद में बी फॉर्म लगेगी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी अपना बाय लगेगा वर्ब ऑब्जेक्टिव, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसी के हिसाब से चेंज करता हूँ मैं, ये वाला ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को उठाओ आप, फुटबॉल को उठा लिया मैंने फुटबॉल, उसके बाद में आपकी आई पी वर्ब ये है एच वी है जो कैन, उसके बाद में यहाँ पे एक बी फॉर्म लगेगी कैन बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेट बाय राम, कोई भी मॉडल वर्ब हो उसके साथ बी लगेगी, और नोट नोट वाला आपको पता है भी कैन के साथ नोट लग जाएगा, कैन नोट बी हो जाएगा, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला क्वेश्चन याद रखना आपको, यानी कि मॉडल वर्ब में। उसके बाद में अगर मैं बात करूं मॉडल वर्ब के बाद इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं, जैसे कि आपके वॉइस में आते हैं ओपन द डोर, अगे ओपन द डोर, ओपन द डोर, ऐसे सेंटेंस को कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपको प्लीज वर्ड यूज करना पड़ेगा, प्लीज डू बी ओपन द डोर, प्लीज डू बी ओपन द डोर, ऐसे होगा सेट द डोर, प्लीज सेट टू बी द डोर, ऐसे सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। इनके ऊपर जो हमारी वीडियो आएगी वो, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको कंप्लीट वॉइस कंप्लीट बना दिया जाएगा। थैंक यू, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वेरी थैंक्स फॉर।